30 लाख स्टूडेंट्स कितने कितने रीजन टू कैंसिल द एग्जाम देंगे सर? वन मोर थिंग सर, वेट 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 निशा, द थिंग इज दैट व्हाट आई विल टेल यू, ओके? होल मैं स्केड्यूल आपको बताता हूँ। जो स्टेट बोर्ड के लिए था ना, हम गए थे ना स्टेट बोर्ड में ना, सिलेबस एब्रिज नहीं था, ठीक है? देयर वाज नो टर्म सिस्टम, अप्लाई नहीं हुआ था। तो हमारा सीबीएसई का पॉइंट ये था कि हमने हमारा स्टेट बोर्ड हम गए थे ना, वी टेक अप दिस मॉडल ऑफ सीबीएसई। कि स्टेट बोर्ड, आप लोगों ने सीबीएसई का मॉडल क्यों नहीं उठाया? व्हाई डिडंट यू रेप्लिकेट द मॉडल ऑफ सीबीएसई? इफ दे आर कंडक्टिंग, इफ दे आर रिड्यूसिंग द सिलेबस फॉर 30 लाख स्टूडेंट्स, व्हाई यू कांट रिड्यूस द सिलेबस फॉर 2 लाख स्टूडेंट्स? देन व्हाट हैपेंड, वन बिग ब्लंडर बाय एडवोकेट, she moved the case CBSE and state board together. Okay, now go to my Twitter handle, Mamta Sharma's Twitter handle, advocate Mamta Sharma. She is a very famous advocate. Sir, मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, पूरा बैकग्राउंड से, आप शायद नहीं आए हो। बट अनुभवा मैम ने तो गलत किया ना सर, पहले बार तो पिछले लास्ट ईयर के लिए ममता मैम ने ही लड़ा था सीबीएसई के लिए। पहले बात कंप्लीट करने दीजिए, अनुभवा मैम ने गलत किया, बताए ना तो अनुभवा मैम ना, उनको जाके बताइए। ममता मैम ने ट्वीट किया था कि हिमांशु बोरा एंड AIJNSI इज मूविंग वर्किंग ऑन ए पिटीशन ऑन सीबीएसई। स्टेट बोर्ड का अलग, सीबीएसई का हम लोग थोड़ा सा लेट जाएंगे, हमारा रीजन अलग होगा। मैं बताने वाला था क्या रीजन था, मैं आपको बता देता था। हमने बिशप कॉटन्स बेंगलोर के प्रिंसिपल और 10 पेरेंट्स के साथ वी हैव ए मीटिंग इन दिल्ली विद एडवोकेट ममता शर्मा, where Sukhpal ji, me and our some team members were present, where we discussed that we will move a petition to the Supreme Court regarding CBSE on and ICSE on the basis, kya main batata hu ki wo log date sheet bahut late release kiye the, jab sab logo ka exam start hone wala tha tab unhone date sheet release nahi kiya tha, to hamara court mein hum aise move karte ki aap log agar date sheet itna zyada wait kara rahe ho students ko, isse acha aap log internal assessment pe mark de dijiye, बिकॉज आप लोगों के 2021 के अगस्त में एक सर्कुलर रिलीज हुआ था जहाँ पे वहाँ पे लिखा हुआ था कि इफ द कोविड केसेस राइजेस देन एग्जाम विल बी कैंसल और समथिंग, एंड इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म 1 मार्क्स, ठीक है? तो हमारा ये प्लान था पिटीशन मूव करने का, हम स्टेट बोर्ड के लिए अलग करने वाले थे, जो हम अनुभव मैम के साथ चल रहे थे। हमें पिटीशन फाइल होने के बाद एक दिन बाद पता चलता है कि यहाँ पे सीबीएसई को भी इंक्लूड कर दिया गया, सुनिएगा। उसके बाद जब कोर्ट केस के जब चीफ जस्टिस ने एग्री किया कि वी विल टेक दिस केस ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, उस दिन उन्होंने कोर्ट ने बोला पहले वी विल टेक द केस ऑफ द फ्रॉम द फॉर द सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई का। उन्होंने सीबीएसई के लिए इंटरनल असेसमेंट के लिए बात किया जहां पे कोई पॉइंट नहीं था, ओके? इसीलिए ना सीबीएसई का हुआ ना स्टेट बोर्ड का हुआ, दिस वॉज द ब्लंडर, ठीक है? इसमें ना मुझे ब्लेम कर सकते हो, ना अनुभा मैम को कर सकते हो, ना ममता मैम को कर सकते हो। दिस इज लाइक क्या हो जाता है कि प्रेशर में आके, ओके मैम प्रेशर में आ गई, शायद बहुत सारे सीबीएसई स्टूडेंट्स ये बता रहे कि सर आप तो एक साथ ही मूव कर दीजिए ना, बिकॉज पिटीशन के लिए आपको पता होगा कि फाइनेंशियल की जरूरत होगी, बहुत सारे स्टूडेंट चाहिए होगा दिल्ली से जो जाके साइन कर पाए वहाँ पे, हमें पिटिशनर्स की जरूरत पड़ेगी, हमें एक सीनियर एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी, है ना? लास्ट टाइम हमने नीट के केस में इनको खड़ा किया था, सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद। उसके बाद हमने सीबीएसई टर्म वन में एक केस किया था फॉर हाइब्रिड मोड, जहाँ पे हमने संजय हेगड़े सर को लिया था, ही इज वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स इन इंडिया राइट नाउ। हाइब्रिड मोड तो कैसे करेगा, वो लोग को अपना एक वेबिनार ठीक से कंडक्ट नहीं कराए, एग्जाम कैसे कंडक्ट करा देगा हम लोग का वेब में? वो टर्म वन के लिए बता रहा हूँ, टर्म वन के लिए, टर्म वन का हमारा मेन मोटिव था ये। और टर्म वन एक ब्लंडर, टर्म वन का क्या सिचुएशन है सबको पता है कि कितना ज्यादा मिस्टेक हो गया ये सीबीएसई के द्वारा। तो गलती इसमें हुई कि जो सीबीएसई वाला केस था ना उसको तब करना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद हमने डेट शीट के लिए वेट किया, जब डेट शीट रिलीज हुआ तब मतलब बहुत सारे, अभी तो बहुत सारे बच्चे आ गए, मतलब 10-20 बच्चों का ये कहना था कि आप लोग एमसीक्यू कराइए। शी वॉज ए वन गर्ल दर्शना और समथिंग, शी वॉज हैविंग ए मीटिंग, वो मेरे साथ एक मीटिंग की थी उन्होंने कुछ 10-12 स्टूडेंट्स के साथ, उनका ये था कि एमसीक्यू के लिए आप लोग पुश कीजिए एमसीक्यू, है ना? उसके बाद कोविड आया अभी थोड़े दिन पहले, पूरा उनका एमसीक्यू या ऑनलाइन मोड या ये सब चल रहा था, सबका अलग अलग, किसी का था कि आप रिड्यूस कीजिए, किसी का था कि ये कीजिए।
उसके बाद एक कोविड का आया जब हमें लगा कि हाँ कोविड केसेस अब राइज कर रहे हैं, अभी ऑथेंटिक होगा पुश करने के लिए, देन वी पोस्टेड। अब बता दीजिए मेरी क्या गलती है। सीबीएसई ने तो सर्कुलर पे अब सीबीएसई क्यों पीछे हट रही है, जब सीबीएसई ने सर्कुलर पे लिखा ही हुआ था जब अगस्त में रिलीज हुआ था एमआर शीट के साथ, उस टाइम तो उन्होंने लिखा ही था अगर कोविड राइज अप होगा या कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो अब तो कोविड बच्चों को भी एग्जाम देना पड़ रहा है, पीपीटी किट पहन के ये सब पहन के, अब वो सब करेंगे हम लोगों के साथ तो बहुत प्रॉब्लम होगी सर। एग्जैक्टली, दिस इज द रीजन वी आर सेइंग टू द लोकसभा मेंबर्स। अगर एक भी स्टूडेंट से एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है मैं मान, एक भी स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर जो है बता दीजिए कौन एडुकेटेड है यहाँ पे अपना इंडिया में, कौन एजुकेशन मिनिस्टर एडुकेटेड है जरा बता दीजिए मेरे को, मैं मान लूंगी। नहीं, आई एग्री विद यू, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग विद द दिस एमपीज एंड ऑल टू रेज दिस इशू इन द लोकसभा अभी जो 10 तारीख से होने वाला है। हेलो सर, द टाइम सर, इट वाज वेरी लेस सर, वी डिडंट हैव टाइम टू स्टडी, विद इन अ मंथ ओनली दे हैव फिनिश्ड द एग्जाम सर। I don't understand your problem. See, for you all na, for you all, we had a meeting also. Direct meeting कराया है education ministry के साथ. उनका state clear कहना है कि अगर CBSE करा देगी तो दो दिन के अंदर मैं notification release कर दूंगा, professor सरोज मैडम का कहना है. तो focus कीजिए, अगर CBSE का हो गया तो भगवान आप लोगों का भी कर देंगे दो दिन के अंदर. But 40% होगा, ठीक है, 60% expect मत करना. जिनका एग्जाम हो गया उनके लिए 100% इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, बिकॉज देखिए सीबीएसई का 100%, सुनो 100% इंटरनल असेसमेंट क्या होता है, दैट इज कैंसिलेशन ऑफ वन पर्टिकुलर एग्जाम। सीबीएसई का एग्जाम कैंसिल हो सकता है जस्ट बिकॉज दे हैव गिवन द टर्म वन एग्जामिनेशन व्हिच इज ऑल्सो ए बोर्ड एग्जाम। ओके, सीबीएसई हम स्टेट बोर्ड के लिए गए थे इसके लिए बिकॉज सीबीएसई वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर, अगर बाई चांस कोविड आ गया तो वी विल टेक द मार्क्स ऑफ टर्म वन एग्जामिनेशन एंड वील गिव द फाइनल रिजल्ट। But state boards were not at all prepared. State board or NIOS, these two boards, these all boards were not at all prepared. तो इसके लिए हम लोग उनको ये बता रहे हैं कि आप लोग मेथड जो क्वेश्चन है उसको आप लोग लीजिए इंटरनल असेसमेंट से। इंटरनल असेसमेंट NIOS के लिए TM क्या बोलते हैं उसे? TM है, TM है ना? TM है, उसके बाद practicals है। हाँ, yes sir. These are the things. Sir, but my theory exam was very bad, sir. I didn't get time to write. Now, brother, what I can say means now, आप लोग मतलब अभी TMA से marks नहीं देंगे तो अभी किससे देंगे? Sir, that is okay. सर, आप लोगों को सब नहीं मिल सकता, ठीक है? Well, sometimes you have to compromise. अभी देखे बहुत सारे बच्चों का तो term one exam भी खराब हुआ है ना? वो लोग भी तो push कर रहे हैं कि हाँ exam term two होना चाहिए। आपको लगता है वो लोग mail नहीं करते होंगे? आप अगर 10 mail करते होंगे तो ये अकेला बंदा 20 mail कर देता है उन लोगों को, है ना? इसीलिए मैं नहीं बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आज ना आप लोगों को बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर अपडेट दीजिए। मैं अपडेट क्यों नहीं देता पता हूँ आपको, मैं इसलिए आपको बोलता हूँ कि हम लोग गूगल मीट करके बात करते हैं कि 10 स्टूडेंट्स के साथ क्या हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो लोग कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम सपोर्ट नहीं करते होंगे, आई रेस्पेक्ट देयर ओपिनियन। ओके, उनका एग्जाम खराब हुआ होगा टर्म वन में, वो लोग उल्टा जाके उनको बोल देते हैं कि सर आप लोग सपोर्ट मत कीजिए ये सब चीज़ों में, हमें तो मार्क्स हमें तो चाहिए एग्जाम। हाँ, हमारा टर्म वन खराब गया है, अगर बाई चांस टर्म वन से मार्क्स आ गया तो आई विल डू सुसाइड और आई विल इट विल रुइन माय लाइफ, इट विल डू दिस थिंग। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, दैट्स व्हाई आई डोंट टेक स्पीक दिस स्पेस दिस ओकेजन, मतलब बहुत ओकेजनली लेता हूँ जो इम्पोर्टेंट अपडेट होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए और आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हो, ट्विटर में हो गया, ये टेलीग्राम में हो गया, मैं आपको बता दूंगा कुछ अगर देखिए कुछ अगर ऑफिशियल अपडेट आ गया, अगर ऑफिशियल अपडेट कल परसों आने वाला है तो मुझे पहले एक दिन पहले पता चल जाएगा, अगर मैं काम कर रहा हूँ उन लोगों के साथ तो मैं आप लोगों को एक दिन पहले बता दूंगा। और ज़्यादा समय आप पढ़ाई के टेबल में दीजिए ना कि ट्विटर में, ठीक है? ट्विटर में देखिए, ट्विटर में इसे कम्युनिकेशन के लिए हेल्प होगा, वो आपको एग्जाम कैंसिल करा के नहीं दे सकते ट्विटर, बिकॉज दिस इज नॉट ए ऑथेंटिक वेब वेब ऐप फॉर दिस ऑल ना। अगर किसी को रहना है ट्विटर में तो यार यू कैन डू इट यार, दिस इज योर पर्सनल प्रोफाइल, दिस इज योर सोशल मीडिया, आई एम नो वन टू से, बट आई विल से दैट डेडिकेट योर मोस्ट ऑफ द टाइम टू योर एग्जाम्स, बिकॉज एग्जाम कैंसिल भी हो गए, अल्टीमेटली आपको पढ़ाई करके CUET या बाकी एग्जाम्स देना ही है। ओके, हाँ सर,
नीट का कोई एग्जाम, नीट का कोई स्टूडेंट है? हम लोग क्लास 10 है सर। तो कौन सा बोर्ड पे हो? सर सीबीएसई हो सर। सीबीएसई का कहाँ से हो? हाँ सर मिजोरम से। मिजोरम से? मिजोरम, मिजोरम के लिए तुम एक काम करो, मुझे ना एक डीएम करो, ठीक है? मैं अभी ना अभी दो अभी कल कल मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ, ये हमारे गुवाहाटी के रीजनल ऑफिस। तो